सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचयितान संस्मरण नित्यम वेदवाणी प्रवर्तये। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। धर्म का संस्थापन मानव जन्म का मुख्य लक्ष्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में सर्वप्रथम महर्षियों ने धर्म की संस्थापना के लिए धर्म को रखा है। यदि व्यक्ति धर्म का परिपालन करता है तो अर्थ, काम और मोक्ष की स्वतः ही उसे प्राप्ति हो जाती है। चारों पुरुषार्थ यद्यपि अपनी अपनी जगह पर महान है, उनका अपना अपना महत्व है, लेकिन फिर भी इन चारों में सबसे श्रेष्ठ और मुख्य धर्म को माना गया है। इसलिए धर्म की संस्थापना के लिए ही भगवान श्री हरि स्वयं अवतीर्ण होते हैं। संभवाम युगे युगे, उनकी युक्ति है, प्रत्येक युग में वे आते हैं धर्म की संस्थापना के लिए, और युग के बीच में भी यदि कभी आवश्यकता हो तो एक एक युग में कई कई बार उनका अवतार होता है और वे संस्थापना करते हैं। भगवान तो आते ही हैं और उनके अपने परम प्रिय भक्त, ज्ञानी, विद्वान, महापुरुष भी आते हैं और वे भी हमें शिक्षा देते हुए धर्म की संस्थापना करते हैं। वर्तमान में चलते हुए कलयुग में बड़े उलबण वातावरण में धर्म जो है जहाँ एक चरण से रहता है और वह एक चरण भी पुष्ट नहीं है। तद्दिनात कलिरायात सर्व साधन बाधक, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण क्षमां त्यक्त्वा इस पृथ्वी को छोड़ करके गए हैं, उसी दिन से, उसी क्षण से कलयुग का प्रवेश हो गया। जो कैसा है, सर्व साधन बाधक, धर्म के समस्त साधनों का अवरोधन करने वाला, अवरुद्ध कर देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण धर्म की संस्थापना करके गए, धीरे धीरे कलयुग ने फिर अधर्म को बढ़ावा दे दिया, क्योंकि कलिना अधर्म मित्र है, कलयुग तो अधर्म का मित्र है, वो अधर्म बढ़ाना चाहता है। तो उसी समय पर विधर्मियों का विध्वंस करने के लिए भगवान श्री आद्य शंकराचार्य प्रभुपाद का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने विधर्मियों का बहुत पराभव करते हुए धर्म की संस्थापना की, जिसमें उन्होंने अपने ही स्वरूप, अपने ही शिष्य गणों को, चार शिष्यों को भारतवर्ष के चारों दिशाओं में, दिशांतों में, सीमांत में स्थापना चार पीठों की जहाँ अक्षुण रूप से आज भी चारों शंकराचार्य विद्यमान हैं और वे धर्म की संस्थापना करने में सदा तत्पर हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य के बाद भी कुछ स्थिति ऐसी ही थी जब धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज पधारे और उन्होंने धर्म की संस्थापना में भगीरथ प्रयास किया। उस समय पर भी किसी भी विधर्मियों का, किसी भी विधर्मी का कोई भी प्रकल्प नहीं चलता था। सबको परास्त करके धर्म की स्थापना में बहुत ही योगदान किया, धर्म की संस्थापना की। लेकिन पूज्यपाद स्वामी जी के न रहने पर आज फिर विधर्मी लोग अपना फण उठा रहे हैं, कलयुग अपना तांडव दिखा रहा है। वर्तमान में
सनातन धर्मी लोग कुछ प्रमादी हो रहे हैं, उनके अपने अपने बहुत से प्रश्न हैं, जिज्ञासा हैं, उनका भी समाधान चाहते हैं। तो इस वर्तमान के उलबण वातावरण को सुदृढ़ बनाने के लिए, धर्म में अभिरुचि और परिपालन के लिए, धर्म का संरक्षण और शिक्षण प्रदान करने के लिए हम लोगों ने भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी के नियमों का वहन करने के लिए, भगवान शंकराचार्य जिस धर्म की संस्थापना चाहते हैं, महापुरुष वेद जिस धर्म की संस्थापना चाहते हैं, उसी धर्म को संस्थापित करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया है, जिसका नाम है जगत गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म संरक्षण न्यास। और इसके अंतर्गत हमारे कई प्रकल्प चलते हैं। तो लोगों की जिज्ञासा का शमन करने के लिए, उनके अपने कुछ प्रश्न हैं, वे किसी कारणवश किसी विद्वान से नहीं पूछ सकते हैं या उन्हें बड़ा संकोच है, इस दृष्टि से जिस प्रकार किसी ग्रंथ का निर्माण होता है और वह ग्रंथ बहुत काल तक लोग पढ़ते हैं, इस दृष्टि से इंटरनेट पर इन चार ऐपों के द्वारा, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर और टेलीग्राम, इन पर हमारी इस एक ही आईडी से और खाते हैं, जिसका नाम है जगतगुरु शंकराचार्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, इस नाम से आईडी है। आप इन पर जुड़ें और अपने प्रश्न रखें। यदि आप सभी लोग टेलीग्राम पर प्रश्न करेंगे तो हमें सुविधा होगी। धर्म से संबंधित, वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित, हमारे धर्म ग्रंथों से संबंधित किसी भी प्रकार का, आप और भी कई प्रकार का जो भी हो वो प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता अपना नाम, अपना पता और अपना वर्ण आदि अवश्य लिखे, इससे उत्तर देने में हमें सहायता होगी। इसलिए आप सभी धर्म प्रेमियों से विशेष रूप से अनुरोध है कि आप तन मन धन से हमारा सहयोग करें और यहाँ अपने प्रश्नों को रखें, जिसका समाधान शास्त्रीय विधि से, शास्त्रीय परंपरा से और विद्वानों के द्वारा इसी वीडियो और इंटरनेट के माध्यम से दिया जाएगा। जहां आप इन चार खातों में, ये जो चार खाते बने हुए हैं, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम पर, जहां इन प्रश्नों को बाद में भी श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आज इन चारों ऐपों का, चारों खातों का शुभारंभ किया जा रहा है। आप इसमें जुड़ें और इसका लाभ लें, हमारा सहयोग करें। हर हर महा